जय महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। मैं सोनिया शर्मा हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए श्री शिव महापुराण के एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे कि आपका जो शरीर है वो आप हमेशा स्वस्थ रहेगा और आप निरोग रहेंगे। तो ये उपाय उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं, थोड़े दिन स्वस्थ रहते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो, उसे सांस की बीमारी हो या दमा हो या किडनी संबंधी कोई भी समस्या हो, तो ये उपाय आप एक बार अवश्य करके देखिएगा। इस उपाय में आपने जो है आंवला नवमी के दिन, जो कि वर्ष में एक बार आती है, आंवले के पेड़ की जड़ में आपने थोड़ा सा दूध चढ़ाना है। आंवले का पेड़ आपके घर के पास हो या किसी मंदिर में हो तो आंवला नवमी के दिन आपने थोड़ा सा दूध आंवले के पेड़ की जड़ में आपने चढ़ाना है और अपने शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए भगवान से कामना करनी है। आंवला नवमी के दिन क्योंकि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों का वास होता है, तो यह उपाय अगर आप आंवला नवमी के दिन पूरी श्रद्धा भाव से करेंगे तो भगवान आपको निरोगता प्रदान करेंगे और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, आप बार बार बीमार पड़ना जो है वो बंद हो जाएंगे। तो ऐसे और भी उपाय जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय महादेव।